हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो अकाउंट्स का चैप्टर कर रहे थे, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, आज हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जितना मैं कराऊंगी आज ये प्रैक्टिकल, जिस फॉर्मूलों से मैं सॉल्व कराऊंगी, जो कैलकुलेशंस मैं करूंगी, वो सारी कैलकुलेशंस मैंने पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको ज़रूर देखिएगा, फिर ये बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। अब बैलेंस शीट जो है वो गिवन है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, सरप्लस गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, इसमें ट्रेड पेबल्स, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, सेंट्री एसेट्स गिवन है। और बोला क्या गया है, एच लिमिटेड एक्वायर्ड इट्स शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2015। यानी एच लिमिटेड ने सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो एस लिमिटेड के एक्वायर किए थे 1 अप्रैल 2015 को। वेन जो एस लिमिटेड है उसका जो रिजर्व था वो था 30,000 और पी एंड एल का जो बैलेंस था यानी प्रॉफिट का जो बैलेंस था वो था 36,000। ये क्या हो गया, ओपनिंग वाला बैलेंस हो गया, बिगनिंग ऑफ ईयर वाला। ठीक है, अब हमें पहले क्या निकालते हैं, कैलकुलेशंस में मैंने बताया था सीक्वेंस वाइज चलना है, तो पहले क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ राइट ऑफ होल्डिंग कंपनी। पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ राइट। अब ये परसेंटेज ऑफ राइट कैसे निकालेंगे, अब देखिए बैलेंस शीट पे आइए वापस से। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट पर देखिए, 18,000 के शेयर्स थे एस लिमिटेड के, जो कि एक्वायर किए गए एच लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अब एच लिमिटेड ने 18,000 शेयर्स पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका मतलब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितने शेयर्स एस लिमिटेड ने एक्चुअली में इशू किए थे। उसको निकालने के लिए ये देखिए, 6 लाख के शेयर्स कैपिटल है एस लिमिटेड की, उसको डिवाइड कर देंगे 20 से। पहले हम ये निकालेंगे कि कितने शेयर्स इशू किए गए एस लिमिटेड के द्वारा। तो 6 लाख तो उसकी कैपिटल है, उसमें हर एक शेयर कितने रुपए का है, 20 रुपए का, तो कितना आ जाएगा, 30,000। 30,000 के जो शेयर्स हैं वो इशू किए गए थे, लेकिन परचेज कितने हुए, परचेज हुए सिर्फ 18,000 के शेयर्स, उसमें इसे डिवाइड कर देंगे 30,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द एस लिमिटेड इनटू में 100। परसेंटेज ऑफ राइट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 60%। ये राइट जो होगा ये होगा हमारे पास होल्डिंग कंपनी का, और बाकी का बचा जो 40% है, 100% में से बाकी का बचा 40%, ये राइट होगा माइनॉरिटी होल्डर का। पहले हमने निकाला परसेंटेज ऑफ राइट, जिसमें पहले निकालने की इशू कितने किए गए थे, अब एच लिमिटेड है उसने तो 18,000 ले लिए, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इशू शेयर से इनटू में 100, तो 60% आ गई होल्डिंग कंपनी की और 40% आ गई माइनॉरिटी होल्डर का। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम निकालते हैं करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी यानी एस लिमिटेड। एस लिमिटेड कौन सी कंपनी हो गई, सब्सिडरी, क्योंकि एच लिमिटेड ने उसके शेयर्स होल्ड कर लिए तो वो होल्डिंग कंपनी हो गई। अब इसको कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे प्रॉफिट गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। प्रॉफिट गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। अब एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट गिवन है, अब देखिए जो एस लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, 60,000। प्रॉफिट गिवन इन द बैलेंस शीट 60,000, अब वो यहाँ पर लिख देंगे 60,000 का। फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं प्रॉफिट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, साल में बिगनिंग में यानी ओपनिंग प्रॉफिट जो है वो लेना है। अब वो कितना लेना है,
यहाँ हमें एडजस्टमेंट में गिवन था ओपनिंग प्रॉफिट 30,000, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 30,000, वो माइनस करना है तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 30,000। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, ऐड करते हैं ट्रांसफ़र रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर, साल में कितना रिजर्व ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे देखेंगे, देखो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 1,20,000 का, लेकिन ओपनिंग बैलेंस कितना था जनरल रिजर्व का 30,000। वेट अ मिनट, ये रिजर्व का बैलेंस था और ये पी एंड एल है, तो पी एंड एल यहाँ पे 30,000 की जगह 36 आएगा, ठीक है। अब रिजर्व पे देखते हैं, रिजर्व जो है वो 30,000 का है और वैसे जो क्लोजिंग रिजर्व है वो है 1,20,000 का। इसका मतलब क्या है कि कितना रिजर्व अब ट्रांसफ़र किया गया है, तो उसको देखो कैसे करेंगे। 1,20,000 का क्लोजिंग वाला है यानी जो बैलेंस शीट में गिवन है, माइनस कर देंगे जो बिगनिंग वाला है, बिगनिंग वाला कितना है 30,000 का, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,000। इसको ऐड लेस करेंगे तो आ जाएगा 1,14,000। अब करंट ईयर प्रॉफिट को यानी 1,14,000 को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पीरियड में, एक होता है प्री एक्विजिशन पीरियड और दूसरा होता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब यहाँ पर जिस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि एक्वायर किए गए शेयर्स 1 अप्रैल को ही एक्वायर कर लिए। अब 1 अप्रैल को एक्वायर करने का मतलब है कि 1 अप्रैल को जब एक्वायर किए तो बाकी का सारा क्या हो गया, पोस्ट, तो पोस्ट में ही चला जाएगा, जो प्री है वो नील आ जाएगा, प्री में कुछ भी नहीं जाएगा। अब कैसे, प्री का मतलब होता है जिस डेट को एक्वायर किए गए हैं उससे पहले क्या जो भी होगा मंथ्स वो। अब अगर यहाँ पर 30th जुलाई होता तब हम यहाँ पर रेशियो निकालते, लेकिन यहाँ 1 अप्रैल को ही करे गए हैं एक्वायर, तो यहाँ प्री जो है वो नील हो जाएगा और सारा का सारा पोस्ट में चला जाएगा। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम निकालते हैं कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, या हम कह सकते हैं यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी कौन है, एस लिमिटेड, ठीक है। अब निकालते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे होगा प्रॉफिट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, कितना प्रॉफिट है बिगनिंग ऑफ ईयर 36,000 का, इसमें ऐड कर देंगे रिजर्व एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। अब रिजर्व कितना था 30,000 का, फिर इसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर प्रॉफिट एट द प्री एक्विजिशन पीरियड, करंट ईयर प्रॉफिट प्री एक्विजिशन पीरियड का, लेकिन प्री एक्विजिशन पीरियड क्या है, नील है, तो कितना आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट 66,000। अब ये जो 66,000 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं होल्डिंग कंपनी में, होल्डिंग कंपनी को शेयर दे देंगे इसका और माइनॉरिटी होल्डर को शेयर दे देंगे। होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना निकल कर आया था 60% और माइनॉरिटी होल्डर का 40%। अब इसमें डिवाइड कर देंगे इसको, 66,000 का 60% आएगा 39,600 और 40,000 आएगा 26,400। अब इसके बाद हम निकालते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। रिवेन्यू प्रॉफिट निकालने के लिए हम लेते हैं करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ, सॉरी करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन का करंट ईयर प्रॉफिट हमारा निकल कर आया था 1,14,000। अब ये जो 1,14,000 है इस रिवेन्यू प्रॉफिट को भी हम किस में डिवाइड कर देते हैं, इन द शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी और इन द शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर,
40% माइनॉरिटी होल्डर का है और 60% है होल्डिंग कंपनी का। इसका 60% निकालेंगे और इसका 40% निकालेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। इसका निकल कर आएगा 1,14,000 का कितना 60%, 68,400। और इसी का 1,14,000 का 40% निकल कर आएगा 45,600। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या है, बैलेंस शीट में गिवन होती है कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहाँ गिवन है देखिए, ये जो है 5,40,000 यही कॉस्ट प्राइस है, एट कॉस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब यही कॉस्ट प्राइस है इन्वेस्टमेंट का। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 5,40,000। अब हम निकालेंगे इसमें वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने कितने फेस वैल्यू के शेयर हेल्ड कर रखे हैं, 18,000 के शेयर्स थे, 20 रुपये पर शेयर है, तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल कर आ जाएगा 3,60,000 का। अब इसमें ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में अब होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर था देखिए, 39,600। ये यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 39,600। अब इसको ऐड कर दो, $3,99,600। अब हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो गुडविल आएगी, लेकिन अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता तो कैपिटल रिजर्व आ जाता, लेकिन अब क्या आ जाएगी, गुडविल 5,40,000 माइनस 3,99,600। तो अब ये जो गुडविल निकल के आएगी, ये निकल कर आएगी 1,40,400। इसके बाद हम निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इसमें हम लेंगे पहले फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पब्लिक। माइनॉरिटी होल्डर जो होते हैं एक तरीके से पब्लिक कहलाए जा सकते हैं, तो बाय पब्लिक, पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए हैं, 30,000 के शेयर्स इशू किए गए थे किसके द्वारा, सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, और होल्डिंग कंपनी ने तो ले लिया अपने 18,000 के शेयर्स, बचे कितने 12,000 के। अब ये जो 12,000 के शेयर्स हैं ये ले लिए पब्लिक ने, अब ये जो 12,000 के जो शेयर्स हैं इस पे 20 रुपये मिलेंगे, हर एक शेयर की फेस नॉमिनल वैल्यू कितनी है 20 रुपीज़, तो कितना आ गया 2,40,000। अब इसमें ऐड कर देंगे शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर इन कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में माइनॉरिटी होल्डर का शेयर कितना है वो देखो, हमने निकाला था 26,400। फिर ऐड कर देंगे इसमें भी शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर इन रिवेन्यू प्रॉफिट। अब रिवेन्यू प्रॉफिट में कितना शेयर आया है माइनॉरिटी होल्डर का, 45,600। इन सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3,12,000। अब लास्ट हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ
होल्डिंग कंपनी, ये निकलता है होल्डिंग कंपनी का। इसमें क्या लेते हैं, प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट गिवन है पहले वो देखिए, कहाँ गया प्रॉफिट, ये रहा होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट है 120,000। इसको ले लेंगे, वन लैख 20,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रिवेन्यू प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट में कितना शेयर है भाई होल्डिंग कंपनी का, ये भी निकाला गया था 68,400। इसको भी ले लो, अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1,88,400। अब यहाँ तक हमारी कैलकुलेशंस हो गई कंप्लीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले लेंगे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल हमें किसकी लेनी होती है, होल्डिंग कंपनी की। अब होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी गिवन है, 12 लाख। ये 12 लाख ले लो। फिर हम लेंगे इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी हमने निकाला था, कितना आया था 3,12,000। ये यहाँ पे ले लो। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जनरल रिज़र्व। अब जनरल रिज़र्व किसका लेंगे, होल्डिंग कंपनी का ही। तो होल्डिंग कंपनी का जो जनरल रिज़र्व है वो कितना निकल कर आया था, बैलेंस शीट में कितना गिवन है, 3,60,000। यही ले लेंगे 3,60,000। फिर हम लेते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये कितना निकाला है हमने, 1,88,400। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल्स गिवन थे। ट्रेड पेबल्स दोनों कंपनी के ले लेंगे, होल्डिंग कंपनी के भी और सब्सिडियरी कंपनी के भी। वो दे रखे थे 1,80,000 ऑफ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के 1,20,000। ठीक है, ये रहे। इसके बाद इन दोनों का टोटल कर देंगे और इसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे जो कि है 3 लाख। अब इसका टोटल कर देंगे। अब बी पार्ट है एसेट्स का। इसमें पहले लेंगे नॉन करंट एसेट्स जो कि अभी हमें गिवन नहीं है बैलेंस शीट में। उसके बाद गुडविल ले लेंगे ऑन एक्विजिशन, जो हमने गुडविल यहाँ से निकाली गई है हमारी, वो आई है 1,40,400। उसके बाद है हमारे पास करंट एसेट्स। अभी जो करंट एसेट्स थी इनमें सिर्फ एक ही एसेट गिवन थी, सन्डरी एसेट्स, वो थी 13,20,000 और 9 लाख। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी बताया था कि वो वाली लेंगे अगर सब्सिडियरी कंपनी की गिवन होगी तब, वरना होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट को हम छोड़ देते हैं। तो अभी हम ये दोनों ले लेते हैं सन्डरी एसेट्स। ये भी ऑफ ऑल कंपनी लेंगे, दोनों कंपनी की 13,20,000 और 9 लाख। इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 22,20,000। अब टोटल कर लो इन दोनों का, इन दोनों का जो टोटल आएगा वो आएगा 23,60,400। यहाँ पे भी 23,60,400। ये दोनों टोटल मैच हो गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो हमने आंसर किया है वो सही है। आज यही क्वेश्चन एक बार ही देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।